हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश शमान और इस वीडियो में हम एटेरेक्स टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एटेरेक्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है और एटेरेक्स टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि एटेरेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एटेरेक्स टैबलेट एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन दवा है जिसका उपयोग स्किन इचिंग यानी त्वचा पर खुजली से राहत पाने के लिए किया जाता है। त्वचा पर खुजली अर्टिकेरिया, एक्जिमा या किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन किसी फूड, मेडिसिन या किसी अन्य इरिटेंट से एलर्जी होने की वजह से हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन होने पर त्वचा पर रैशेज व खुजली हो सकती है। इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आपका डॉक्टर एटेरेक्स टैबलेट को दे सकता है। एटेरेक्स को डॉक्टर कभी कभी एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने के लिए भी डॉक्टर पेशेंट को दे सकते हैं। एटेरेक्स एक ब्रांड नेम है। एटेरेक्स टैबलेट के अंदर हाइड्रोक्सीजन सोल्ट होता है। एटेरेक्स टैबलेट 10 mg और 25 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे एटेरेक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में एटेरेक्स टैबलेट की वजह से कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों में एटेरेक्स दवा की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे सेडेशन या ड्रोसिनेस हो सकता है। ड्रोसिनेस होने पर आपको नींद अधिक आती है। नींद अधिक आना एटेरेक्स टैबलेट का एक सामान्य साइड इफेक्ट है। एटेरेक्स टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं। स्टोमक अपसेट हो सकता है। स्टोमक अपसेट होने पर पेट में बेचैनी, जलन, उल्टी आने का मन आदि लक्षण हो सकते हैं। मुंह, गले और नाकों में सूखापन हो सकता है। चेस्ट कंजेशन व त्वचा लाल हो सकती है। एटेरेक्स टैबलेट की वजह से सिर दर्द व शरीर में वीकनेस हो सकती है और मुंह का स्वाद खट्टा हो सकता है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है। चेस्ट में टाइटनेस व ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट में क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग हो सकता है। क्यूटी इंटरवल प्रोलोंग होने की वजह से हार्टबीट तेज व इरेगुलर हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी किसी भी दवा से हो सकता है। अगर आपको एटेरेक्स टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह, गले या होंठों पर सूजन होती है, त्वचा पर खुजली या रैशेज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटेरेक्स टैबलेट को लेते समय आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एटेरेक्स टैबलेट के साथ अल्कोहल या किसी अन्य नींद की दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ड्रोसिनेस गंभीर हो सकता है। एटेरेक्स टैबलेट को लेते समय ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एटेरेक्स टैबलेट आपके अलर्टनेस को कम कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या गर्भवती महिलाएं या जो महिला स्तनपान करा रही हो एटेरेक्स टैबलेट का सेवन कर सकती हैं या नहीं। एटेरेक्स दवा प्रेगनेंसी कैटेगरी सी की दवा है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एटेरेक्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाएं या जो महिला स्तनपान करा रही उन्हें इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।